मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 2 भिवानी से। ये सुभाष मेरे बड़े भाई है, इनके क्षेत्र में ये लगता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि डिग्गी में बिल्कुल सिल्ट है और सारे झाड़ बोझड़े सब के में भरा पड़ा, और यही पानी हमारा आधा शहर पीता है, जिससे पीलिए के रोगी पूरे शहर में बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन नहीं जागा। इसलिए हमने देखा तो हमने सब ये लोग इकट्ठा हुए और ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका निवारण करो, नहीं तो इसके एक हफ्ते के अंदर हम फिर इसका आंदोलन शुरू करेंगे ताकि शहर को इस बात से निजात मिल सके। क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे, आज किस लिए इकट्ठा हुए और क्या मामला है? मैं नगर पार्षद हूँ सुभाष और वार्ड नंबर 17 से। हमारे डाबर कॉलोनी का जो वार्ड है इसके समीप ये जो भिवानी की वाटर वर्क्स की जो डिग्गी है, इनमें जो एशिया की सबसे बड़ी डिग्गियां कही जाती है और यहीं पर स्टोरेज होता है, तो आधे शहर का पानी यहीं से सप्लाई होता है। और हमारे जो डाबर कॉलोनी के वासी हैं, ठाकुर रणधीर सिंह जी हैं, रविंदर जी हैं, सोनू हैं और भाई सुथार जी हैं, इन्होंने सब ने हमें बताया कि हम यहाँ देखा कि हमने इतने बुरा हालत हो रखी डिग्गियों की, तो इन्होंने तो आज हमने लिया संज्ञान की है ना, आज हम डिग्गियों की सफाई के लिए आवाज उठाते हैं। तो इसको लेकर आज हमने आकर देखा वो क्या, तो रियल में ही हमारा बड़ा मन बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि इतना विषैला पानी है। अगर आप अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आ रही है तो वो अभी इतना विषैला पानी है जिसका इसी के कारण लोग ज्यादातर बीमारियों को ग्रसित हैं, और इतना झाड़ बोझड़े आपने देखा है, खुद ने आपके मीडिया के माध्यम से आपको हमने कैमरे के माध्यम से दिखाया है कि इतनी बुरी तरह से यहाँ पे पेड़ छोटे छोटे बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, करीबन 6 से 7 फीट सिल्ट खड़ी है। आज तक इस डिग्गी की, जब से ये डिग्गियां बनी है, इनके किसान है, खेत इनके पास नजदीक है, ये भी गवाह बने इस बात के, इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जब से डिग्गियां बनी आज तक इनकी कोई सफाई नहीं हुई, जबकि सरकार की मुहिम है कि एक साल के दौरान इनको हर साल सफाई करनी चाहिए। ये नहीं है कि एकदम से सारी सफाई होगी एकदम डिग्गियों की, एक के बाद एक डिग्गी की सफाई करने का नियम है। हम अपने घर की भी सफाई 1 महीने में या 2 महीने में अपने घर की भी टंकी की सफाई करते हैं, और ये तो एक बड़े लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मेरी सरकार से और प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इन डिग्गियों की सफाई करवाई जाए और दूषित पानी से हमें बचाया जाए पीने से। अगर जल्द से जल्द अगर इनके लिए प्रशासन और विभाग कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाता है, तो जल्द ही हम सभी मिलकर और पूरे शहर का साथ लेकर जल्द ही बड़ा आंदोलन करने वाले हैं,